नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। अश्विन मास में प्रत्येक वर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार अधर्म पर धर्म की जीत का ये दिन 5 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है। सनातन धर्म में कई पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन होते हैं और इन दिनों के बीच पड़ने वाली सभी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। वही किसी तिथि पर पर्व होना इसे और भी शुभ बना देता है। दशहरा का दिन भी कई मायनों में बेहद शुभ माना गया है। वहीं इस दिन को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं जिनके संयोग का परिणाम बहुत अच्छा कहा जाता है। हम बताएंगे आपको एक ऐसे ही पक्षी के बारे में जिसके दर्शन दशहरे के दिन होना अति शुभ फलदायक माना गया है। विजयादशमी यानी दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि यदि दशहरा के दिन किसी को नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और परिवार में शुभ कार्य होते हैं। मनुष्य पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है और दशहरे पर दर्शन करने की मान्यता भगवान राम से जुड़ी हुई है। दरअसल पौराणिक कथाएं कहती हैं कि जब रावण का वध करने के लिए भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी, तब शिव जी नीलकंठ के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बेहद शुभ माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।